आपको क्या लगता है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कितना स्मार्ट होना चाहिए, खासकर वो जिसका सेमीकंडक्टर तकनीक में एक सफल करियर रहा हो और इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट उसके नाम पर हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सलाहकार भी हैं। पर इतना कुछ करने के बाद भी इस 59 वर्षीय व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं किया जा रहा, बावजूद इसके कि वो कंपनी में 8.5% हिस्सेदारी की मालकिन है। 37,000 करोड़ रुपए मुरुगप्पा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में, जहां उनके दिवंगत पिता एमवी मुरुगप्पन एक समय कुलपति हुआ करते थे। पर क्यों? क्योंकि कथित तौर पर डॉक्टर वल्ली अरुणाचलम महिला है। ये महिलाओं का परिवार डॉक्टर वल्ली, उनकी बहन वेलाची और उनकी माँ एमवी मल्ली मुरुगप्पन। उनके पिता की 3 साल पहले निधन होने के बाद इस केवल नर क्लब में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। वल्ली के अनुसार होल्डिंग कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट के कई बोर्ड मेंबर्स ने उनसे वायदा किया था, हम आपके नामांकन के लिए सहमति देंगे। लेकिन सितंबर 2020 के बोर्ड की वार्षिक बैठक में 91.37% शेयरधारकों ने, जिसमें ज्यादातर उसके चाचा और चचेरे भाई शामिल थे, उन्हें अस्वीकार किया। 2 हफ्ते बाद वल्ली अरुणाचलम ने मुरुगप्पा परिवार के सदस्यों और अंबाडी इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट को कानूनी नोटिस भेजा। ये हमेशा हमारी इच्छा थी कि परिवार के मुद्दे परिवार में ही रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रथाओं की रक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित है। चेन्नई में स्थित मुरुगप्पा समूह की स्थापना 1900 में दीवान बहादुर मुरुगप्पा चेट्टियार ने एक बैंकिंग व्यवसाय और पैसे उधारे के धंधे से शुरू की थी। अब उनके 2 दर्जन से अधिक व्यवसाय हैं, खेत से लेकर वित्त, कपड़ा, रबर, बीमा, स्टॉक ब्रोकिंग तक, जिसमें से 7 सूचीबद्ध कंपनियां भी हैं। इस समूह की वेबसाइट पर संस्थापकों और परिवार की वंश वृक्ष दिखाई गई है, लेकिन उनमें एक भी महिला नहीं। वली के अनुसार मुरुगप्पा जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में बेटों को व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालने के लिए जवानी से तैयार किया जाता है, जबकि बेटियों से बिना कोई सवाल किए इन तरीकों को स्वीकार करने की उम्मीद की जाती है। परंपरा न मानने का नतीजा उस औरत का बहिष्कार किया जाता है और उन्हें सख्त और अभिमानी माना जाता है। लेकिन कुछ भारतीय समाजों में भूमिकाएं उलट हो जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी और गारो समुदाय मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, जहां पुरुष नहीं बल्कि परिवार की महिलाओं को विरासत दी जाती है। कर्नाटक का बंट समुदाय भी इसी परंपरा का पालन करता है, जिसे अलिया संताना कहा जाता है, एक रिवाज जो राजा भूताला पांड्या ने स्थापित किया जब तुलुनाडु पर 77 में शासन करते समय ये प्रणाली विकसित की। केरल में भी इसी किस्म की परंपरा है, मारू मखथायब, जिसका अर्थ होता है भतीजे और भतीजी। केरल में ये प्रथा संभवतः 10वीं शताब्दी के अंत में द्वितीय चेरा साम्राज्य में चेरा चोला युद्धों के दौरान अस्तित्व में आई, जहां लड़ने गए पुरुष कब लौटेंगे या लौटेंगे ही नहीं, इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। संभवतः इसी के कारण प्राचीन मालाबार में नायरो और एझावा जैसे समुदायों के बीच बहुपतित्व की एक प्रणाली कायम हुई, जहां महिला क्योंकि शायद अपने पति को दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए एक से अधिक पुरुष के साथ संबंध रखने की उसे अनुमति दी गई थी, ताकि वैवाहिक बंधन से बाहर पैदा हुए बच्चे को विरासत में अधिकार मिले। माँ को नस्ल का बेहतर संरक्षक माना गया, थवाजी। वैसे पुरुष की अनुपस्थिति में कबीलों के नाम और परंपराओं को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर पड़ी। अंत में पुरुषों ने विरासत पर अपने अधिकार को त्याग दिया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी जिसमें यही ज्यादा समझदारी की बात लगी। इसी प्रथा का एक दिलचस्प परिणाम यह भी था कि जब महिलाएं कबीले की महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, तब बालिका के गर्भपात या हत्या का कोई सवाल ही नहीं बचा। और इसलिए हम देखते हैं कि केरल जैसे राज्यों में, जिसने कई समय इस रिवाज का पालन किया, आज देश में उनका सबसे अच्छा लिंगानुपात है। हालांकि केरल ने संयुक्त परिवार प्रणाली अनमूलन अधिनियम 1975 के माध्यम से मातृसत्तात्मक रचना पर प्रतिबंध लगाया, जिससे सभी उत्तराधिकारियों को समान अधिकार मिल सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2020 का फैसला, जो हिंदू महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, वो केरल में काफी समय पहले से पालन किया जा रहा था। महिलाएं अपने प्रबंधकीय कौशलता के लिए जानी जाती हैं, और जब किसी पुरुष सदस्य से उन्हें विरासत में बड़े व्यवसाय मिले तो उसे उन्होंने सक्षमता से चलाया है। अपोलो की रेड्डी बहनों ने भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर समूह में विविधता लाने और पैमाना बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। पार्ले एग्रो के चौहान बहनों ने परिवार के अलग होने के बाद व्यवसाय को ना ही संभाला बल्कि सफलतापूर्वक विस्तार भी किया। इन दोनों उदाहरणों में बेटियां शुरू से ही व्यवसाय में शामिल की गई और कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पेशेवरों और परिवार के सदस्यों के साथ काम किया। रूढ़ी परंपराओं को तोड़कर सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली कुछ बहुएं भी हैं,
1930 के दशक में सुबती बोरारजी का विवाह एक व्यवसायिक परिवार में हुआ जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन के मालिक थे। जब ग्रेट डिप्रेशन और वित्तीय संकट ने भारत को घेर लिया, तब सुमति जी ने अपने ससुर की अनुपस्थिति में कंपनी के सिर्फ लगाम ही नहीं संभाली बल्कि उसका विस्तार करते हुए भारतीय नौवहन की पहली महिला के रूप में पहचानी गई और दुनिया में ऐसी पहली महिला बनी जो जहाज मालिकों के एक संगठन की प्रमुख बनाई गई। सिमोन टाटा नेवल टाटा से शादी करने के बाद स्विट्जरलैंड से भारत आई। उन्होंने एक कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे का निर्माण किया जिस कंपनी का लक्ष्य था 1960 के दशक में मध्यम वर्गीय भारतीय महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना। पति की मृत्यु के बाद अनुवागा ने बॉयलर कंपनी थर्मैक्स की बागडोर संभाली और 2004 में अपनी बेटी को सौंपा। अधिकांश स्वतंत्र महिलाएं जो व्यवसायों में सफल हुई हो और जिन्होंने अपने पेशे में नेतृत्व की भूमिका निभाई हो सहायक घरों की बात करती हैं। मेरी सफलता का श्रेय मेरा परिवार है। समाज के निचले वर्गों में पैसों की जरूरत होने के कारण ज्यादातर महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। जैसे ही वो ऊपरी वर्ग की तरफ पहुंचती हैं, समाज और संस्कृति महिलाओं के सामने झूठे अहंकार की बाधाएं डालकर उन्हें काम करने से रोकने की कोशिश करती हैं। घर पर रहने वाली पत्नी समृद्धि का प्रतीक है। मेरा बेटा अच्छा खासा पैसा कमाता है, उसकी पत्नी को काम करने की क्या जरूरत। इसी मानसिकता के चलते भारत में काम करने वाली महिलाएं 1990 के दशक में 35% से गिरकर आज 23% हो गई हैं। इसका एक कारण ये है कि 15 से 25 वर्ष के जवान अब खेतों में काम करने के बजाय स्कूलों और कॉलेजों में हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन बढ़ती महिला शिक्षा के बावजूद शहरी क्षेत्रों में अभी भी हम दुनिया के मुकाबले सबसे निचले अंक में 16% पर, जो बस कुछ ही ऊपर है उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को से पाकिस्तान तक फैले मुस्लिम दुनिया से। विश्व बैंक के जेंडर असमानता सूचकांक में 153 देशों में से भारत 112 क्रमांक पर है। बिजनेस टुडे बताता है कि सबसे शक्तिशाली महिला में से 24% अपने पिता या पति के परिवार के व्यवसाय से जुड़ी है। मगर कुल मिलाकर 2019 में निफ्टी 500 कंपनियों के बोर्ड पर सिर्फ 15% सदस्य महिलाएं थी और उनमें से 5% से भी कम CEO। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत 100 करोड़ की शेयर पूंजी या 300 करोड़ के वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के बोर्ड पर कम से कम एक महिला होनी चाहिए। लेकिन अंबाडी इन्वेस्टमेंट की शेयर पूंजी सिर्फ 2.44 करोड़ थी। उनका राजस्व 83 करोड़, जो कि अधिनियम की दहलीज से नीचे है। हालांकि मुरुगप्पा समूह की सूचीबद्ध कंपनियां कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, AID पेरी वगैरह सभी के बोर्ड में महिला सदस्य मौजूद है। कुछ इसी तरह की लड़ाई $11 बिलियन के हिंदुजा परिवार में भी हो रही है, जहां कुलपति SP हिंदुजा की सबसे बड़ी बेटी कथित रूप से उनके 3 भाइयों से बाधित हो रही है। भारतीय के मशहूर व्यापार परिवारों में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता की लड़ाई और भी कठिन है, क्योंकि उनके पास पैसे की शक्ति होती है। आज के जमाने में ऐसी खबरें सुनना ये स्पष्ट रूप से बताता है कि महिलाओं को पहले की तरह दबाया नहीं जा सकता और ना ही वो नम्रता से इन बातों को कबूल करेंगी। बिस्बो की शायरी। क्यों पिता के व्यवसायों में बस बेटों का राज, पंख काट वो रोकते बेटियों की परवाज, वल्ली अरुणाचलम इसके लिए उठा रही आवाज, बिस्बो कहता है हमें ऐसी बेटियों पर नाश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।